खेरा दे खिलाफ ईडी वालों दायर चार्जशीट दे विच वड्डे खुलासे होए ने। चार्जशीट विच खेरा दे ड्रग तस्करां दे नाल रिश्तियां दा जिक्र कीते जाण दी खबर सूत्रां दे हवाले तों मिल रही है। जो सुखपाल खेरा दे खिलाफ जो ईडी वालों दायर चार्जशीट है उस विच वड्डे खुलासे होए ने, जिस दे मुताबिक खेरा दे ड्रग तस्करां दे नाल रिश्तियां दा जिक्र है। खेरा दे ड्रग माफिया तों पैसे लैके आमदन तों वध जायदाद बनाउण दा इल्जाम है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले विच ईडी ने विधायक नूं गिरफ्तार कीता सी। 2014 तो 2020 दौरान खेरा ने 6.5 करोड़ रुपए खर्च किए। इस दौरान उन्हां दी आमदन 3 करोड़ तो घट सी। जांच दौरान पैसों का हिसाब सुखपाल खेरा नहीं दे सके, जो सूत्रों तो अहम जानकारी मिल रही है। जो जांच हुई है उस विच इन्हां खर्च पैसों का कोई हिसाब नहीं दे सके ने। सूत्रों मुताबिक ड्रग माफिया गुरदेव सिंह खेरा का करीबी है। 2017 के फाजिलका ड्रग रैकेट का मुख मुलजम है गुरदेव सिंह। दस दी कि जो है चार्जशीट जड़ी है सुखपाल खेरा के खिलाफ दायर हुई उस विच बड़े खुलासे हुए ने, और इस विच साफ तौर ते सूत्र तो जानकारी मिल रही है, जिक्र है कि किस तरह दे नाल खेरा दे ड्रग माफिया तो पैसे लेके आमदन तो बाद जायदाद बनाउण दा इल्जाम है। नेहा शर्मा साडे नाल जुड़ चुके ने। नेहा, जिस नाल ए चार्जशीट जो दाखिल हुई सी सुखपाल खेरा के खिलाफ, सो बड़े खुलासे हुए ने, की कुछ होर इस बारे जानकारी है? बिल्कुल राधा, जो जानकारी मिल रही है, जो ईडी ने अपनी चार्जशीट दायर की है उसके तो काफी अहम चीजा सामने आई ने। इस एक चीज है कि जो सुखपाल खेड़ा ने उन्होंने कोल जो आए तो वक्त संपत्ति यानी कि काफी ज्यादा पैसे जो मिले ने वेरवा नहीं दे पाए ने, जिस साफ किया गया है कि 2014 को लैके 2020 तक जो सुखपाल खेड़ा ने अपने डॉक्यूमेंट दिते ने उसके उन्होंने संपत्ति जी है 3 करोड़ रुपए थी, लेकिन खर्चा जरा उन्होंने वालों किया गया तकरीबन 6.5 करोड़ रुपए का है। तो 3.5 करोड़ रुपए कितों आए यह इसकी जानकारी नहीं दी गई। दूसरा जो राधा इस दो अहम चीजा है ने कि सुखपाल खेरा ने जो इन्वेस्टिगेशन की गई थी 2-3 केसेस ना रिलेटेड है। एक केस तो है जो फाजिलका दे विच जो जो ड्रग स्मगलर है ने उस कैम्प दे विच इन्हां नूं जिहड़ा जिहड़ा इन्हां दे जिहड़े जांच लई बुलाया गया सी उस दे विच काफी ज्यादा अहम चीजा है सन राधा। वो यह सी कि जो फाजिलका स्कैम है फाजिलका ड्रग रैकेट स्कैम उस दे विच तकरीबन 1.5 करोड़ तो भी ज्यादा हीरोइन मिली थी, लाइव कार्ट्रिजेस मिले थी, सोने के बिस्किट मिले थे। और आरोप यही है ने कि जो ड्रग स्मगलर है उन्होंने भी रक्षा करते आए ने, उन्होंने शेल्टर करते आए ने सुखपाल खेड़ा। और दूसरा मामला जरा है जिस जांच चल रही हैगी सी जो हुण ईडी ने इस साफ किया है कि जो पासपोर्ट फेक पासपोर्ट स्कैम है उसके विच भी जरा है उन्होंने जांच की जा रही हैगी है। और ज्यादा जो जानकारी ईडी सोर्सेस जो सानू दे रहे हैं उसके विच साफ यही है कि वेरवा जरा वो नहीं दे पाए हैगे ने। और सुखपाल खेड़ा की जी आमदन हैगी है वो इन सालों के विच वधी है लेकिन इसका वेरवा नहीं दे पाए है। इसी कारण PMLA यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जरा है मामला दर्ज होया हुआ है और इसी कारण हूं फिलहाल जरा है मामला चल रहा है। ईडी ने अपनी जो चार्जशीट बिल्कुल बहुत सारे खुलासे जरा कर दिए और जो दावे किए गए सुखपाल खेरा वालों उस तो भी जड़ा है साफ पर्दाफाश कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा फिलहाल दी जानकारी लिए।